हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्फिनिक्स के नोट 11s के न्यू अपडेट के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहां पे हमें एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स के इस नए फ़ोन में। और यहां पे दोस्तों हो क्या रहा है कि ये जो नया अपडेट आया हुआ है वो काफ़ी अच्छा अपडेट है, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे जो फीचर्स हैं वो ऐड होते हुए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसका जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो भी हो सकता है आपको अपडेटेड देखते को मिल जाए। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है और ऑनलाइन अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो अपडेट है हमारा पूरा का पूरा 895 MB का है। और यहाँ पे जो फिक्सेस किए गए हैं और साथ ही साथ जो वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये इतना बड़ा सा वर्जन का नाम लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक चेतावनी दी जाती है कि 50% से अगर कम की बैटरी है आपके फ़ोन में तो वो जो है आप इसे अपडेट ना करें, जब 50% से ऊपर हो तभी अपडेट करें। अब हम आ जाते हैं इसके सिक्योरिटी पैच लेवल पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है अपडेटेड गूगल सिक्योरिटी पैच लेवल है मई का हो जाता है, 5 मई 2022 का, जो कि पहले शायद अप्रैल या फिर उससे पहले का जो सिक्योरिटी पैच लेवल था वो था। उसके बाद जो दूसरा इम्प्रूवमेंट किया गया है इस नए अपडेट में, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, यूजर के एक्सपीरियंस को इसमें इम्प्रूव किया गया है। साथ ही साथ इसकी जो स्मूथनेस है उसमें हमें थोड़ा सा फ़र्क अब देखने को मिलेगा इस नए अपडेट के साथ में। और यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ा नया चेंज इसमें आने वाला है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी में आने वाला है, कि यहाँ पे जो ऐप्स हैं या फिर जो आप ऐप्स यूज करते हैं या फिर जो भी कुछ आप चलाते हैं तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी अब होने वाली है। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो आपके फ़ोन का है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पहले के मुकाबले। के अलावा यहाँ पे कोई भी नया चेंज नहीं आया है, ये 895 MB का अपडेट है। तो अपडेट कर लीजिए जल्दी से, अगर आप जो है नहीं चेक कर रहे हैं आपका अपडेटेड सिक्योरिटी पैच लेवल कम है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं।